हेलो एवरीवन, अभी हम लोग ग्रुप डी का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य मतलब उसके जैसा पॉजिट्रॉन को बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन को परित्याग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है यहाँ पे और इस पर प्लस है, इसे प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित होती है? तो किससे होती है? नाभिकीय संलयन से। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, संभारिक क्या है? समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक। संभारिक क्या है? जिसमें समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। छठा क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सिलेक्ट लाइम, और इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। सातवां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है जो सबको याद रहता है, थॉमसन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो एन का नंबर रखते जाइए, 1, 2, 3, 4। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एन का मान रख दिए 1, तो कितना हो जाएगा? C1H2+2, मतलब CH4। इसी को तो बोलते हैं मिथेन। ओके, नवा क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन। तो आइए हम लोग दसवा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन में। ओके, 11वां क्वेश्चन देखते हैं, अब तक आवर्त सारणी में कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो 118। 12वां क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। 13वां क्वेश्चन, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 14वां क्वेश्चन, 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं? देखिए, ऑक्सीजन क्या है? द्विप्रवाहिक गैस है, तो उसको लिखते कैसे ऑक्सीजन को? O2। तो O2 में इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 32। तो 32 ग्राम में 1 मोल, जैसे इसका एकांगी का नियम लगा देते हैं, 32 ग्राम में 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम में 1/32, इसलिए कितना दिया यहाँ पे? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/32 × 12, और इसको निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा? 0.375 मोल। 15वां क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? किससे दिखाते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या को? तो ए से दिखाते हैं। 16वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। 17वां क्वेश्चन, कैथोड की किरणें क्या है? तो कैथोड की किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन की धारा को बोला जाता है कैथोड की किरण या इलेक्ट्रॉन बीम। 18वां क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है?
तो मीथेन। 19वां क्वेश्चन, लाफिंग गैस, लाफिंग किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। 20वां क्वेश्चन, एक गैस, ये न्यूमेरिकल है, ये मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एक आएगा चाहे दो आएगा, बस ज़्यादा नहीं आएगा आपको आपके एग्जाम में। एक गैस या मंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा, इसमें बोला है देखिए 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर, ये वॉल्यूम दिया है, तो पहला वॉल्यूम कितना है 1 लीटर और दूसरा क्या है V2, 3 लीटर। ओके, और क्या पूछा है, और प्रेशर दे दिया है एक या मंडली दाब मतलब एक दिया है। ओके, और कुछ नहीं दिया है, हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, P गुणा डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज, बदलाव, किसमें, वॉल्यूम में, आयतन में बदलाव। प्रेशर क्या होता है, दाब, प्रेशर क्या बोलते हैं, दाब। ये क्या है, आयतन में चेंज बदलाव, और ये क्या है, कार्य। लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, कार्य। तो पहले हम क्या करेंगे, या मंडलीय दाब को किसमें बदलेंगे, SI मात्रक में। तो कितना होता है, 101 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया SI मात्रक में, और इसको ही बदल लेंगे। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, देखते रहिए ध्यान से, यहाँ लिख देते हैं। तो क्या होगा, प्रेशर कितना है, 101 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई चेंज। चेंज क्या होता है, बड़े से छोटे मतलब फाइनल से, मतलब जो लास्ट में है उससे घटाते हैं, या बड़े से छोटे भी कर सकते हैं, लास्ट में जो है उससे घटाएंगे, 3 − 1। तो ये SI मात्रक में नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मीटर क्यों बदलना होगा, जैसे आपको पता होगा 1 m³ बराबर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, तो इसको उल्टा करना है। तो क्या कितना लिखेंगे, 10⁻³। ओके, तो ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा, ये जस्ट के पास लिखते हैं, 1.01 × 10⁵, ये हो गया। और उसके बाद न्यूटन पर मीटर लिख ही देते हैं, और यहाँ हो जाए 3 − 3 में से एक घटा, 2 × 10⁻⁻³, और ये क्या है, बोलिए बोलिए, ये मीटर क्यूब है, तो ये भी लिख देते हैं। हो गया, तब कितना हो जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2.02, और कितना हो जाएगा, ये ऊपर ये प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2। ऐसा तो आपको आता है ना, और कितना हो जाएगा न्यूटन, ये देखिए इसको ऐसे मीटर स्क्वायर लिख दो नीचे, और इसको मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए। गया 2.02 × 10⁻² न्यूटन मीटर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2.02 × 10⁻² और न्यूटन मीटर क्या होता है, वर्क का, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल। तो लगभग ये कितना हो जाएगा, जैसे अगर निकालिएगा आप, लगभग मान लीजिए कितना हो जाएगा, 200 लगभग आ जाएगा, 202 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, 10⁻² है, और 2 पॉइंट है तो कट जाएगा। तो कितना लगभग कितना हो जाएगा, लगभग मान लीजिए, लगभग क्या, पूरा ही, जैसा आंसर दिया रहेगा, जैसा आंसर दिया रहेगा वैसे कर सकते हैं। तो कितना है, 202 जूल। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे लिए भी सपोर्ट कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर कर। थैंक यू।